तो शुगा नहीं होंगे BTS के मेंबर, ये एक बड़ा सवाल सामने आ गया है। और साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि BTS के मेंबर 6 ही रह जाएंगे, 7 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी जो चल रहा है शुगा कंट्रोवर्सी, उसके लिए शायद शुगा को ज़्यादा मिलिट्री टाइम सर्व करना पड़े। इसकी वजह से 2025 में कमबैक है BTS का वो लटक रहा है। कंफर्म था कि 2025 में सभी BTS मेंबर एक साथ कमबैक करेंगे, अब शायद शुगा की वजह से वो डिले हो सकता है। देखो, इसके बारे में बताया गया है कि शुगा जो है वो ऐसे र्यूमर फैल रहा है कि वो केपॉप बैंड BTS को छोड़ सकते हैं, और ये पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। तो देखो, इस बात पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि कुछ हेटर्स हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं, मुझे लगता है दिन रात बैठ के बस वो यही काम कर रहे हैं, तो फॉरगेट अबाउट देम। और तो यही चीज़ बोला जा रहा है, स्पेशली ये बोला गया कि 2025 में जो उनका कमबैक है BTS मेंबर्स का, वो थोड़ा लेट हो सकता है। एक्चुअली में शुगा का कंट्रोवर्सी हुआ जब वो एक गाड़ी चला रहे थे। इसके बारे में बताया गया है कि एक्चुअली शुगा जब गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने अल्कोहल लिया हुआ था, जिसका जो ब्रेथ लाइजर टेस्ट हुआ उसमें 0.227% पाया गया अल्कोहल। और साथ ही पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे थे, जो कि मोटराइज बाईसाइकिल में आता है, जिसकी वजह से उन पर DUI लॉ लग गया है, और उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला जो चार्ज होता है वो लगाया जाता है। मैंने बता दिया तुम लोगों को पहले कि इसमें जेल की भी सजा है, साथ ही फाइंस की भी सजा है, वो भी 1-2 नहीं 5 मिलियन won और 10 मिलियन won, और 1 साल से 5 साल की जेल की सजा है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शुगा को बुलाया था और फिर उससे जानकारी ली कि वो कब निकले या फिर उन्होंने कितना ड्रिंक कंज्यूम करके रखा था, इन सभी चीज़ों के बारे में कार्रवाई चल रही है। लेकिन ये र्यूमर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि शुगा जो है वो BTS छोड़ देंगे, अब BTS मेंबर बल्कि 7 नहीं बल्कि 6 होने वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है और तुम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, और इस हार्ड टाइम में तुम लोग को आई थिंक BTS के साथ खड़े होना चाहिए। बिकॉज थी ये गलती है शुगा की कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, लेकिन इसके लिए प्रॉपर साउथ कोरिया का एक लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें सजा भी मिलेगी और वो उसे फॉलो भी करेंगे। पर इसका मतलब ये क्या है कि BTS छोड़ देंगे? मतलब कुछ हेटर्स हैं जो ये र्यूमर फैला रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और भी ज़्यादा परेशानी हो।